नमस्कार दोस्तों, एशियन नेट हिंदी के हेल्थ कैप्सूल में मैं डाइटिशियन विनीता मेवाड़ा आज आपसे चर्चा करने वाली हूं कि नवरात्रि के दौरान प्रेग्नेंट वुमन क्या क्या चीजों का ध्यान रखें और व्रत रखें या ना रखें, और अगर रखते हैं तो किस प्रकार से उनका आहार होना चाहिए। सबसे पहले तो मेडिकली ये कहा जाता है कि जो भी प्रेग्नेंट या गर्भवती महिलाएं हैं वो फास्ट को अवॉइड करें, यानी कि फास्ट ना रखें, क्योंकि फास्ट रखने से आप और बेबी दोनों को ही वो एनर्जी नहीं मिल पाती है जो कि आपके लिए ज्यादा जरूरी है। पर अगर आप फास्ट रखना ही चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी आस्था से जुड़ा हुआ विषय होता है, और अगर आप फास्ट रखना चाहते हैं इस दौरान, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप खाते पीते फास्ट रखें, यानी कि निर्जला व्रत ना रखें, क्योंकि निर्जला व्रत आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो व्रत के दौरान आप क्या क्या आहार ले सकती हैं, सबसे पहले तो ध्यान रखें, क्योंकि आप गर्भवती हैं, आपके साथ में शिशु जो कि आपके गर्भ के अंदर है उसका डाइट भी आप पर ही निर्भर करता है। तो प्रोटीन्स का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना चाहिए। तो प्रोटीन्स में आप ऐसे कौन से आहार हैं जो व्रत के दौरान ले सकती हैं, वो होते हैं आपके जितने भी ड्राई फ्रूट्स या ड्राई नट्स, जिनका आप इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही आप दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट जितने होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकती हैं। आप साथ ही इसमें कार्ब्स के लिए या कार्बोहाइड्रेट के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करें जिससे आपका एनर्जी सोर्स बना हुआ रहे, उसमें आता है आपके आलू, अरबी या ऐसी रूटी वेजिटेबल जिनका आप व्रत में यूज कर सकते हैं। इससे आपको प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, साथ ही कुछ मिनरल्स एंड विटामिन्स भी मिलेंगे जिससे आपके शरीर के अंदर होने वाली कमी जो है वो पूरी होती रहेगी। साथ ही आप ध्यान रखें कि आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सैलेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट से भी आपको फाइबर्स भी मिलेंगे, आपको एनर्जी भी मिलेगी, साथ ही आपको मिनरल्स भी मिलते रहेंगे, सोडियम पोटेशियम का जो बैलेंस है आपके शरीर के अंदर बना रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो हर 2 से 3 घंटे में आप थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहें। वो खाने में आपको अगर मेन्यू प्लान की यदि मैं बात करूं कि दिन भर के आपका मेन्यू कैसा होना चाहिए, सुबह की शुरुआत आप करें दूध, 1 गिलास दूध से, और उस 1 गिलास दूध के साथ में आप 1 मुट्ठी ड्राई नट्स, यानी कि आप चाहे तो मूंगफली या बादाम वगैरह ले सकते हैं, या फिर उसके साथ में आप चाहे तो अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद आप 1 गिलास नारियल पानी या नींबू पानी जरूर लें जिससे आपकी एनर्जी बनी रहे और शरीर के अंदर होने वाली मिनरल्स की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। 4 से 5 बजे के बीच में या इवनिंग का जो समय होता है उस समय आप फ्रूट सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स का भी चाट बना करके ले सकते हैं, या किसी भी प्रकार की शिकंजी या शेक्स या स्मूदी बना करके आप ले सकते हैं जिससे आपको उस समय की एनर्जी मिलती रहे। शाम के समय आपको मैं एडवाइस करूंगी आप पूरा खाना लें, और अगर आप पूरा खाना नहीं लेती हैं तो उस समय भी आपको या तो साबूदाने या राजगिरे की खिचड़ी लेनी है, या फिर आप ये करें कि मोरधन की खिचड़ी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, अमृत की आटे की रोटी या सिंघरे की आटे की रोटी विथ एनी वेजिटेबल या अरबी या आलू की सब्जी का इस्तेमाल आप कर सकती हैं, और सोते वक्त 1 गिलास दूध का इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी दिन भर की फास्टिंग भी होती रहेगी और आपको प्रॉपर एनर्जी भी मिलती रहेगी, और आपने उस दौरान वही आहार लिया है जो फास्टिंग के दौरान अलाउ होता है। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखें, साथ ही आप अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, हाइड्रेट यानी कि शरीर के अंदर पानी की कमी ना होने दें। तो पानी की कमी ना हो इसलिए आपको लिक्विड्स का ध्यान भी बहुत अच्छे से रखना है। आप नींबू पानी या नींबू की शिकंजी आप ले सकती हैं, फ्रूट जूसेस ले सकती हैं, नारियल पानी ले सकती हैं, मठा आप ले सकती हैं, दही की लस्सी बना करके ले सकती हैं या दूध ले सकती हैं। दिन भर में कम से कम 3 लीटर लिक्विड का इस्तेमाल आपके डाइट में होना चाहिए। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें, हेल्दी रहें, साथ ही अपने बच्चे का भी ध्यान रखें।